All my sons, page number 16 and 17. Chris, no, you don't. I am a pretty tough guy. Yeah, I can see that. तब तक आपस में बात करते हैं जब तक उनकी माँ आ जाती है. जो, हेलो मॉम, डिड यू टेक अ बैग फ्रॉम अंडर द सिंक? और वो अपने हस्बैंड से पूछती है, सिंक के नीचे मैंने एक बैग रखा था, तुमने वो हटाया क्या? या आई पुट इट इन द पेल. कि हाँ, मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया. मदर, वेल, गेट इट आउट ऑफ द पेल, दैट्स माई पोटेटोज. और वो कहती है, जाओ फिर उसको वहाँ से निकालो, तुमको पता है तुमने क्या फेंका है? सारे आलू फेंक दिए. केलर, आई थॉट इट वॉज गार्बेज. केलर कहता है, मैंने सोचा वो कचरा है. विल यू डू मी अ फेवर, जो, डोंट बी हेल्पफुल. और मदर बहुत अच्छे से तरीके से अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई तुम मेरे लिए एक उपकार करो, तुम मेरी मदद मत करो. केलर, आई कैन अफोर्ड अनदर बैग ऑफ पोटेटोज. केलर कहते हैं, अरे मैं एक बैग और ले आऊँगा आलू का. मनी, मदर, मीनिंग स्कोर दैट पेल इन बॉइलिंग वाटर लास्ट नाइट, इट्स क्लीनर देन योर टीथ. मदर कहती है, वो डस्टबिन जो है वो बहुत साफ है. कल मिनी, जो उनकी मेड है, उनकी नौकरानी, उसने बहुत अच्छे से साफ किया है, तो वो तुम्हारे दांतों से भी ज़्यादा साफ है, इसलिए तुम उठा के ले आओ. वेल, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आफ्टर आई वर्क 40 years एंड आई गॉट अ मेड, वाई आई हैव टू टेक आउट द गार्बेज. कहना कहता है, मुझे समझ नहीं आता, 40 साल मैंने काम किया और अब हमारे पास एक काम वाली है, लेकिन फिर भी मेरे को ही ये सब काम करना पड़ता है. मदर, इफ़ यू वुड मेक अप योर माइंड दैट एवरी बैग इन द किचन इज इन फुल ऑफ गार्बेज, यू वुडन बी थ्रोइंग आउट माई वेजिटेबल्स. लास्ट टाइम इट वॉज द अनियंस. अब मदर कहती है, तो अगर आप ये सोच लो कि अगर किचन में कोई भी थैला रखा है तो उसमें कचरा नहीं है, तो मेरी बहुत बचत हो जाएगी. पिछले बार तुमने इसी तरह से सारे प्याज फेंक दिए थे. केलर, आई डोंट लाइक गार्बेज इन द हाउस. केलर कहता है, मुझे घर के अंदर गार्बेज यानी कचरा नहीं पसंद. देन डोंट ईट. तो उसकी वाइफ क्या कहती है, तो खाना मत खाओ. दैट सेटल्स योर टुडे. क्रिस कहता है, बस आज आपकी बोलती बंद है. या आई एम इन द लास्ट प्लेस अगेन. आई डोंट नो, वंस अपॉन अ टाइम आई यूज टू थिंक दैट व्हेन आई गॉट मनी अगेन आई वुड हैव अ मेड एंड माय वाइफ वुड टेक इट इजी. नाउ आई गॉट मनी, आई गॉट अ मेड एंड माय वाइफ इज वर्किंग फॉर द मेड. केलर कहते हैं, मैं ये सोचता था कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक मेड लाऊंगा और मेरी पत्नी आराम से बैठेगी और मेड काम करेगी. आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेड है, लेकिन मेरी पत्नी मेड के लिए काम करती है. और इन लोग हंसते हैं. मदर, इट्स अ डे ऑफ, व्हाट आर यू क्रैबिंग अबाउट? मदर कहती, आज उसकी छुट्टी है, आप लोग ऐसे क्या बातें कर रहे हो? क्रिस, इज इन टैन फिनिश ड्यूटी? शील बी राइट आउट. देन दैट विन डिड सम जॉब ऑन द प्लेस, सो मच फॉर दैट, थैंक गॉड. अब मदर को क्रिस पूछता है, एनी ने नाश्ता कर लिया? मदर कहती है, हाँ बस वो आने वाली है, और देखो कल की हवा ने क्या करा. केलर, सिट डाउन, टेक इट ईजी. केलर उसको कहता है, थोड़ा धैर्य रखो, शांत रहो. मदर, आई हैव गॉट सच अ फनी पेन इन द टॉप ऑफ माई हेड. मदर कहती है, मेरे सिर में दर्द है. क्रिस, कैन आई गेट यू एन आइसक्रीम? No more roses. It's funny. Everything decides to happen at the same time. This month is his birthday. The tree blows down and he comes. Everything that happens seems to be coming back. I was just down the cellar and what do I stumble over? His baseball glove. I haven't seen it in a century. Mother कहती है, अब पेड़ टूट गया. अब वो फूलों की झाड़ी थी गुलाब की, अब कोई गुलाब नहीं आएंगे. कितनी अजीब बात है, हर चीज़ अभी होनी है. इस महीने ही उसका जन्मदिन यानी लैरी का जन्मदिन है, उसका पेड़ टूट जाता है, एनी आ जाती है जो कि उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी. सब कुछ ऐसा लग रहा है वापस आ रहा है. और मैं आज रात मैं अंडरग्राउंड में गई तो मैं किस चीज़ पे ठोकर खाई? मैंने उसका बेसबॉल ग्लव. इतनी अजीब चीज़ है, उसको मैंने इतने टाइम से नहीं देखा था. क्रिस, डोंट यू थिंक एनी लुक्स वेल? क्रिस बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है, एनी ठीक लग रही है ना? मदर, फाइन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, शी इज़ अ ब्यूटी. आई स्टिल डोंट नो वॉट ब्रॉट हर हेयर. नाउ दैट आई एम नॉट ग्लैड टू सी हर. उसकी माँ कहती है, कोई क्वेश्चन नहीं है, दो राय नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो यहाँ क्यों आई है. नॉट दैट कि मुझे कोई प्रॉब्लम है उसके यहाँ आने से. क्रिस, आई जस्ट थॉट वी लाइक टू सी ईच अदर अगेन एंड आई वॉन्टेड टू सी हर माई सेल्फ. क्रिस कहता है, मैंने सोचा सबको एक दूसरे से मिलना चाहिए, और सही बात यह है कि मैं भी उससे मिलना चाहता था. मदर, द ओनली थिंग इज दैट हर नोज गॉट लॉन्गर बट आई ऑलवेज लव दैट गर्ल. शी इज वन दैट डिडंट जंप इन टू बेड विद समबडी एल्स एज सून एज इट हैपेंड विद हर फेलो. मदर कहती है, बस मुझे ऐसा लगता है उसकी नाक थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ. मुझे इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है कि जो ही लैरी गायब हुआ, लैरी का कोई अता पता नहीं था, उसने तुरंत किसी का हाथ नहीं थामा और किसी के साथ शादी नहीं कर ली, किसी के साथ नहीं चली गई. ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ.